स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में खबरों की। उसके पहले एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां बड़ा हादसा टला है। स्कूल की बस हाईटेंशन तार की चपेट में आई और कार में बैठी थी छात्रा, बाल बाल स्कूली बच्चे बच गए हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि हाईटेंशन तार की चपेट में बस आ गई थी। इस बस में करंट भी दौड़ सकता था, बच्चों की जान पर बनाई। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, जब तार की चपेट में बस आई, इस दौरान तार टूट कर गिर गई और इस बस में बच्चे भी सवार थे, जहां स्कूल की ये बस बताई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। और स्कूल की बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और उस दौरान जो तार है वो टूट कर जमीन पर जा गिरा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंदौर का पूरा मामला है, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि कोई इस घटनाक्रम में जख्मी नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। बस स्कूल की बस जो थी वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, हाई टेंशन तार से टकरा गई और बस में छात्र छात्राएं बैठे हुए थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि यहां पर कोई जनहानि या कोई भी जख्मी या झुलसा नहीं है। और अब इंदौर से खबर है, जहां जर्जर मकानों को हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। निगम ने जर्जर मकानों पर चलाया हथौड़ा, कई मकानों को जमींदोज कर दिया। बुधवार को 3 जर्जर मकानों को तोड़ा गया। आज बड़ा गणपति क्षेत्र में चलाया जा रहा अभियान। बड़ी खबर है इंदौर से, जर्जर मकानों को हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। निगम ने जर्जर मकानों पर हथौड़ा चलाया, जहां कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल ये अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे और इन जब जाँच की गई तो पाया गया कि अवैध तरीके से इन मकानों को बनाया गया है और अब इन पर कार्रवाई की गई है गलत तरीके से, क्योंकि जर्जर मकान है। और आपने पहले भी देखा, जर्जर मकानों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, निगम ने अभियान चलाया, जो भी जर्जर मकान है उन्हें तोड़ दिया जाएगा। जी देखिए, अगर 8 से 5 महीने पहले की बात करें तो करीब 115 ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया था जो पूरी तरीके से जर्जर हैं, उन्हें नोटिस दिया गया था तोड़ने के लिए। और अभी पिछले जब से यह सागर हादसा हुआ, उसके बाद करीब इंदौर में 30 से 40 ऐसे और भी भवन को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें तत्काल तोड़ा जाएगा। तो तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज इंदौर में बड़ा गणपति के पास एक 80 साल पुराने जर्जर भवन को तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ और मकान बने हुए थे और इस मकान के गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। तब जर्जर जो मकान है, जर्जर जो भवन है, जर्जर स्कूल है, तमाम जो भी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, उनके खिलाफ इंदौर नगर निगम का बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। सागर हादसे के बाद से नगर निगम एक्शन में है और ऐसे जर्जर भवनों को तत्काल तोड़ा जा रहा है जो किसी भी दिन तेज बारिश की वजह से गिर सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जर्जर मकानों की वजह से पिछले दिनों में कुछ हादसे भी सामने आए थे, तो क्या ये खाली मकान थे? और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जान जोखिम में डालकर इन जर्जर मकानों में लोग रहते हैं। मिथिलेश, तो क्या ऐसे भी कोई घर थे क्या, जहाँ पर लोग रह रहे थे और उन्हें खाली कराया गया है? देखिए, ऐसे भी कई सारे भवन हैं जर्जर, जहां पर लोग अभी भी रह रहे हैं। नगर निगम ने नोटिस दे दिया, बावजूद भी लोग उस घर में रह रहे हैं जान जोखिम में डालकर। अब ऐसे भवनों की जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, वहां बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम कमिश्नर ने तत्काल तमाम अधिकारी, भवन निर्माण अधिकारी बीओ हो, बीएल है और असिस्टेंट जो कमिश्नर है, उन्हें भी ये निर्देश दिए गए कि ऐसे भवनों को तत्काल खाली करा लिया जाए जो जर्जर अवस्था में है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। तो ऐसे भवनों को भी अब चिन्हित कर लिया गया है। इंदौर में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन तक लगातार जारी रहेगी। यानी प्रशासन जर्जर भवन को लेकर अब सख्त है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब कॉरपोरेट कल्चर पर आ गई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाया गया है, जिसमें पार्टी कार्यालय के सुबह 11 से शाम 6 बजे तक का खुलने का समय तय किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रविवार को अवकाश की भी सूचना दी गई है। अभी तक सरकारी भवन और मंत्रालय में रविवार का अवकाश होता था, लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने अपने एमपी दफ्तर में भी अवकाश का दिन तय कर दिया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी और नेताओं को सक्रिय रखने के लिए साथ साथ उन्हें अवकाश भी देने का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कई नए नए फैसले देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले वास्तु दोष की वजह से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया था, अब उसके बाद कांग्रेस का नया कॉर्पोरेट कल्चर सामने आया है।
पहली बार पीसीसी ने बकायदा अपने मुख्य गेट पर तख्ती लगाई है जिसमें अपने पीसीसी कार्यालय का समय तय कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि सुबह 11 से शाम 6 बजे तक पीसीसी कार्यालय खुला रहेगा। उसके अलावा पहली बार कांग्रेस अब रविवार की छुट्टी भी मनाएगी और यह कारपोरेट कल्चर अब शुरू हो चुका है कांग्रेस में। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तब से बने हैं, बकायदा अब रोस्टर के साथ नेताओं की ड्यूटी भी लगाई जाती है और उन्हें वीकली ऑफ भी दिया जाने लगा है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो इस नए कल्चर के साथ कांग्रेस अब शुरुआत कर रही है एक बार फिर से, और सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से नेहा बग्गा भी जुड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे नेहा बग्गा जी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। कांग्रेस दफ्तर में अब देखा यह जा रहा है कि कॉरपोरेट कल्चर को अपनाने की कोशिश, और इसके चलते एक तख्ती भी बाहर लगा दी गई, बकायदा सूचना बोर्ड लगाया गया है जिसमें संडे के दिन छुट्टी भी घोषित की गई है। समय से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो धरातल से गायब हो रही है, कांग्रेस जिसका जनता से सरोकार नहीं है, वो कॉरपोरेट कल्चर पे चल रही है। कभी भी राजनीतिक कार्यालय के लिए समय निश्चित नहीं हो सकते, कभी भी संडे को ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, अगर वो पक्ष में हो, विपरीत हो, वो संडे देखकर नहीं आती है। और संडे को कांग्रेस पार्टी ने छुट्टी की घोषणा कर दी है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस केवल और केवल एक कॉरपोरेट कल्चर की पार्टी है। उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के सुख दुख में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है। उन्हें अपना टाइम पास करना है, अपना टाइम स्पेंड करना है, इसलिए रोस्टर लगाए जा रहे हैं, टाइम तय किए जा रहे हैं, वीकली ऑफ किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और सीधे रुख करेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, बकायदा बोर्ड लगा दिया गया है, सूचित किया जा रहा है सभी को कि संडे के दिन भाई छुट्टी है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत अच्छा भी माना जाता है कि भाई 7-6 दिन जो काम करेगा उसको एक दिन की छुट्टी जरूरी होती है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी ऐसा माना जाता है कि एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पूरा कांग्रेस दफ्तर ही संडे के दिन बंद रहेगा, चूंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जाहिर सी बात है ऐसी बात तो है नहीं कि कोई भी बड़ा मुद्दा या कोई भी घटना या किसी भी तरीके का विरोध या प्रदर्शन या कुछ भी काम संडे के दिन नहीं होंगे। राजनीतिक पार्टी है, जाहिर सी बात है संडे सुनिश्चित कर देना, ये वाकई में एक हैरान करने वाला मामला है। किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में जैसे ही ये सुबह से बोर्ड लगे उसके बाद कांग्रेस भी कंफ्यूज नजर आ रही है। जहां पहले कहा जा रहा था कि ये केवल कर्मचारियों के लिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित शर्मा वो आए और उन्होंने यहां पर तख्तियों को उखाड़ना शुरू किया और एक बोर्ड यहां से हटा भी दिया, और हम उनके से ही बात करते हैं। ये क्या हो रहा है कांग्रेस में, संडे को छुट्टी पहली बार? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो सेवा और समर्पण का कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का। यहाँ पर चूंकि जो कांग्रेस दफ्तर में कर्मचारी कार्य करते हैं, उन कर्मचारियों के दफ्तर के बाहर लगना था, किसी कर्मचारी ने त्रुटिवश इसे यहाँ गेट पे लगा दिया गया है और इसको निकालने के भी निर्देश दे दिए। अभी तत्काल मैंने भी निकाल दिया और ये निकाल दिए जाएंगे, अवकाश का प्रश्न नहीं है। जीतू पटवारी जी का निर्देश है कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन हमेशा तत्पर है, इसीलिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो त्रुटिवश कर्मचारी द्वारा लगाया गया है, उसे निकाल दिया। तमाम बातचीत आप अपनी जारी रखिए, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु में, जहां पर समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और मिशन निवेश को लेकर बेंगलुरु के दौरे पर मुख्यमंत्री इस वक्त हैं। कनेक्टिविटी विद 5 मेजर एयरपोर्ट्स एट भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो एंड जबलपुर, मेकिंग इट फ्यूचर रेडी। विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश ऑफर्स अ वेल इक्विप्ड टैलेंट पूल दैट सर्व्स एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन द रीजन। Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and
significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with regional industry summits in Ujjain, Jabalpur, and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Global Investors Summit Madhya Pradesh on 7th and 8th February at Bhopal. That's right, ladies and gentlemen, Madhya Pradesh, the heart of India, heartbeat brimming with opportunities. All we're asking you to do is come and join us. We invite you to Madhya Pradesh for our Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit that is happening on the 7th and 8th of February 2025. ನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ तो देखा आपने मध्यप्रदेश में किस तरीके से लगातार विकास की बयार बह रही है और बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है जहां सीएम उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त मंच में मौजूद है। मिशन निवेश को लेकर सीएम बेंगलुरु के दौरे पर हैं, उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा हुई और आपने देखा इसके पहले भी हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब निवेशकों से बातचीत करते हुए सीएम नजर आ रहे थे और इस दौरान ये माना जा रहा है कि एक बड़ा निवेश मध्यप्रदेश में आएगा जिसके चलते रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और आर्थिक रूप से और सशक्त होगा मध्य प्रदेश। बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिटी ऑफ बेंगलुरु, अ सिटी व्हिच इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। It's a Silicon Valley of India and it's a city of innovation. So welcome from the heart of incredible India, that is our state Madhya Pradesh, and we belong to the city which is called City of Lakes. Honorable Chief Minister Sir, Honorable Shri Mohandas Pai Sahib, co-founder and partner Erin Capital, श्री अनिल कुमार जी चेयरमैन ग्रीनको ग्रुप, श्री वेंकट रमणी जी सीईओ लैप इंडिया, श्री सिद्धार्थ सेठी जी वाइस चेयरमैन सीआई, माय सीनियर कोलीग्स श्री संजय दुबे सर, श्री संजय शुक्ला सर, मिस्टर नवनीत कोठारी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन चैंपियंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल फ्रेंड्स इन मीडिया। So I will put forward the case of Madhya Pradesh before you. I am sharing some of the data from our state. Madhya Pradesh has done tremendously well in agriculture. You may be aware, may not be aware, but we are the second largest food grain producer in the country. We are first in terms of organic farming. That means we are working towards sustainable agriculture. We are second largest state in terms of area. We are one of the cleanest state in India. We stood second last time. One of our cities, Indore, has won this award of cleanest city in India for 6 times. Bhopal, our capital of state, it is treated to be one of the cleanest state capitals in India. And overall, we are second cleanest state in India. We are fourth largest solar energy producer in country. According to population, we have a huge consumer market, so we are fifth in that respect. Next, please. So there is a kind of competitive environment, industrial infrastructure has been enhanced in Madhya Pradesh. So we have GIS enabled real-time online land bank information in Madhya Pradesh. We have abundant water supply for industrial needs, more than 1,000 million cubic meter.
only state to have four very important industrial corridors, economic corridors: Delhi Mumbai industrial corridor, Amritsar Kolkata industrial corridor, Delhi Nagpur industrial corridor, east west corridor. So we are having fantastic level of connectivity and different industrial and expressways run through Madhya Pradesh. We are a power surplus state. We are producing at this point of time around 31 gigawatt of power. We have extensive road network more than 5.1 lakh kilometers, 2 international and 5 domestic airports, 6 inland container depots in Madhya Pradesh. Next. Why one should go for investment in Madhya Pradesh? So we have more than 1.25 lakh acres of industrial land. We have higher returns, cheaper factors of production of utilities, so that is really beneficial for everyone. We have automatic land use change and faceless mutation. This is one of the things which no other state has been able to achieve. We have started the phenomena which was started during the regime of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav sir, and it was inaugurated, cyber tehsil system was inaugurated by Honorable Prime Minister. So we are rich in minerals, we are highest producer of copper, manganese, diamond and others, and we have a very transparent and customized policy for industries which are beyond 100 crores investment. Next, please. I will say something regarding mineral base in Madhya Pradesh. We are first in copper, manganese and diamond production. We are second in rock phosphate, third in limestone, fourth in coal. Madhya Pradesh has the distinction of being first in mining auctions to exploit our potential, our resources. We have till date auctioned 75 mineral blocks, and we are number one in entire country. We have presence of some of the best miners in the country and in the world. And in future, we are going to allocate 17 coal blocks in Madhya Pradesh and 24 other major mineral blocks. And these blocks will be in limestone, base metal, aluminous, laterite and bauxite, gold and manganese. Go next, please. Government of India has also supported Madhya Pradesh well, and we have GOI supported parks, medical devices park, PM Mitra park, integrated textile park in Dhar. We have renewable energy and power equipment park at Narmadapuram, leather and footwear park in Morena, 2 plastic parks in Raisen and Gwalior, multimodal logistic park which is going to come up in Dhar district. We have electronic manufacturing clusters and software technology parks also. Next, please. Madhya Pradesh is, as Honorable Chief Minister was previously Higher Education Minister. So we have done well in education, higher education sector. We have many important Government of India and central level institutions in Madhya Pradesh. One Raja Ramanna Center for Advanced Technology of Atomic Energy Department, Advanced Material and Process Research Center, EMPRI in Bhopal, Rare Earth and Titanium Theme Park in Bhopal, IIT and IIM in Indore, and MNIT in Bhopal. So we have more than 55 private universities, which is second highest in India. More than 1287 industrial training institute and 1373 government and private colleges. We have one of the finest skill parks with the support of Singapore, and global skill park is located in Bhopal in 30 acres. Now, why one should invest in Madhya Pradesh? We have attractive policies. We give around 10% to 40% of investment if it is done in plant and machinery.
if you are better employment generator, then you give a kind of multiplier if you generate more employment. If you generate more export, then you get a multiplier for that. And if you go towards the lesser industrialized area, you will get a multiplier for that also. We are also promoting green industrialization persistence for ETPs, STPs, and zero liquid discharge. We give infrastructural development assistance, power tariff rebate, reimbursement for patent charges. We also give, as I have suggested, Honorable CM heads a cabinet committee on investment promotion. For mega industrial units, we can give customized package that is beyond our policies. We have a very distinct food processing policy where the support from government is enhanced. Very good textile and garment policy, where I believe that is one of the finest textile garment policy all across the country. We are also one of those pioneer states who have started one scheme called Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana, jahan pe hum students ko based on their educational qualification from 8,000 to 10,000 rupees ka unko hum remuneration dete hain for 12 months. So that is a kind of win-win situation for my industry. Next, please. So we have sector-based policies, IT, ITS, ESDM, data center, IT park developers for their promotion, there's a policy. Sanjay Dubey sir will go in details of that policy. We have renewable energy policy also. Go next, please. So we have set to be one of the most peace and peace and tranquility kind of a state where you will find there are no labor related problems. We have a good skilled labor system. We have very congenial system in Madhya Pradesh. We are the first state in entire country to adopt the labor case management system. We have 43% of population in working age categories. Negligible zero mandates loss in Madhya Pradesh, and very, very safe work environment. Of our hamari behne mataye kabhi bhi 24 ghante saaton din hamesha kaam kar sakti hain. So we have phenomenal system. Aur ek cheez aapko aur main batana chahunga ki the kind of reforms we have done in labor sectors. We have cut down the number of registers which were supposed to be maintained from 16 to 1, just one. So we have one of the finest labor laws in the entire country. Go next, please. Now Madhya Pradesh can be an excellent destination for global capability centers and IT, ITS center in India. So this is kind of thematic picture which has been taken for Indore, one of the areas. Ek main zarur baat aap logo ko batana chahunga ki honorable chief minister ne apne chief minister sahab ne apne aane ke baad hukum chand mil ka ek bahut bada unhone mil ke mazdooron ka banks ka unki purani jo deitaen thi unko bhi unhone samapt kiya unke jo purane dues the usko bhi sabko pahunchaya aur usi zameen par 43 acres pe MP housing board